जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय तीन। फिर उसने मुझे यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा दिखाया, और शैतान उसकी दहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उसे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा कि सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है कि यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्याय और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैंने तुझको इनके बीच में जो पास खड़े हैं आने जाने दूंगा। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे अद्भुत चिन्ह के मनुष्य हैं। सुनो कि मैं पल्लव नाम अपने दास को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर सात आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।